तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में आपको कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके दिखाने वाला हूँ। वो रील हो या फिर पोस्ट हो, दोनों पर मैं आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक रील अपलोड करूँगा और ये पोस्ट अभी अपलोड करूँगा और दोनों पे आपको एक्सेप्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके की मैंने रील्स यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पर टैग करूँगा, तो टैग पीपुल पर आएँगे, इन्वाइट कोलैबोरेटर पर आएँगे और यहाँ से हम अपना अकाउंट सर्च कर लेते हैं। अकाउंट सर्च करने के बाद अब यहां से हम इस रील को शेयर कर देते हैं। शेयर करने के बाद अब मैं यहां से एक पोस्ट भी इस पर ऐड करने वाला हूं। तो पोस्ट अपलोड करने के लिए जैसा कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का पोस्ट मैं यहां पे ले लेता हूं। लेने के बाद अब आप लोग को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि पोस्ट को कैसे एक्सेप्ट करना है और रील को कैसे एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे फिर से टैग पीपल पे आएंगे, इनवाइट कोलैबोरेटर पे आएंगे, देन यहाँ से अपना अकाउंट सर्च कर लेंगे और इसको भी यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। मेरा यहाँ पे रील भी पोस्ट हो चुका है और यहाँ पे मेरा एक फ़ोटो भी पोस्ट हो चुका है। अब मैं अपना यहाँ पर दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जिसपे मैं ये कोलैबोरेशन किया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा अभी रील शायद शेयर नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। जैसे मेरा रील एंड पोस्ट दोनों शेयर हो जाएगा, मैं आपको कोलैबोरेशन कुछ इस तरीके वाला करके दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। अब मेरा जो रील है वो पोस्ट हो चुका है एंड मैं यहाँ से अपना दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। अकाउंट ओपन करने के बाद अब आपको सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है एंड आपको ऊपर मैसेज भी देखने को मिल जाएगा कि आपको मैसेज भी इस तरीके का आ जाता है। तो आप लोग मैसेज में आकर यहाँ से ओनली यहाँ पे जो पोस्ट दिख रहा है, अगर पोस्ट पे व्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ से पोस्ट को रिव्यू आप लोग करके यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे रील एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। रील पे अगर व्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता जिससे आप लोग एक्सेप्ट कर सके। अगर आप थ्री लाइन पे क्लिक भी करते हो तो आपको यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है जहाँ से आप लोग इसको एक्सेप्ट कर सके। तो सबसे पहले आप लोग पोस्ट को यहाँ से मैसेज से भी आकर एक्सेप्ट कर सकते हो लेकिन रील को नहीं कर सकते हो। तो रील के लिए आपको करना है क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि रील के लिए आपको क्या करना है। तो इसके बाद आपको नोटिफिकेशन में आना, नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर रील देखने को मिल जाएगा। सो आप लोग जस्ट इस रील पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे एंड यहाँ से इस रील को आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो। सो इस तरीके से करके आप लोग अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो कैसा लगा आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत सारे लोगों को होता क्या है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन ही नहीं देखने को मिलता है इस तरीके का। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं नोटिफिकेशन नहीं शो कर रहा तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कैसा लगा आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।